अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा के द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन सह मिलन समारोह 31 मार्च को आयोजित किया जा रहा है, जो कि माड़वारी भवन में होगा। इसका उद्देश्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को वही सम्मान मिले जो समाज के अग्रिम पंक्ति के लोगों को मिल रहा है। ये बातें संगठन मंत्री संजीत चौरसिया ने प्रेस वार्ता कर बताई। वो सब मिल करके हमारे समाज के जो नीचे तबके के लोग हैं, उनके बेहतरी के लिए, उनके उन्नति के लिए लोग एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। उनकी शिक्षा के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, उनके रोजगार के लिए, सभी में आपस में मिलकर सब लोग उसकी सहायता करेंगे, और ताकि वो भी आगे बढ़ सकें, समाज में आगे आ सकें। ये हमारा उद्देश्य है। झारखंड प्रदेश में एक धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, जो मेरे द्वारा कराया जाएगा, जिसमें जो गरीब लोग हैं, जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी भी इच्छा होती है कि मेरे घर में बच्चों की शादी अच्छी जगह में हो, उनको ये सुविधा हम प्रदान करेंगे, जो कि एकदम निःशुल्क होगा। मेरा नाम राकेश कुमार चौधरी है, मैं पेशे से बिजनेसमैन हूँ। तो हम लोग सिर्फ उन्हीं को देंगे जो एफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए नहीं। जो नहीं एफोर्ड कर सकते हैं उनको मिलेगा। उसके लिए एक हम लोग ट्रस्ट बना देंगे, ट्रस्ट में लोग अप्लाई करेंगे, ट्रस्ट के लोग जज करेंगे कि इनको देना है, और वो एकदम सब लोग आएंगे उसमें, लेकिन वो आएंगे जो मतलब एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे होता है कि हम आगे ले लिए के लिए ही आप केवल जी बिल्कुल सही है। 31 तीन 2019 को पूरे राष्ट्रीय स्तर के हमारे जितने समाज के पदाधिकारी हैं, सभी आ रहे हैं, और सबों का मोटिव एक ही है कि हम लोग जो निचले पौदान पर हैं वो आकर के आएँ। और इस कार्यक्रम में हम लोगों ने सबों को टीम गठित किया है कि जहां से किसी को तकलीफ़ ना हो, सबों को एक साथ के साथ में हम लोग रखें। और सबसे बड़ी है कि जो हमारा समाज आज कहीं ना कहीं इतने संख्या होने के बाद भी हम लोगों को कोई राजनीति भागीदारी भी नहीं मिल रही है, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा करेंगे कि हमारी जनसंख्या लगभग मैंने 4-5% है पूरे भारत में, लेकिन उतने हम लोगों को भागीदारी नहीं मिल रही है, उस पर भी हमारी कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा होगी। इस सम्मेलन के माध्यम से अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि जो हमारे समाज के जो अग्रणी लाइन में खड़े हैं, उनको हम लोग कैसे पीछे वालों को साथ में लेकर चलेंगे, और तभी संभव है कि हमारे समाज को विकास भी करेंगे। जो हमारे समाज के लोगों ने जो दहेज किया वो है, उस पर भी हम महिलाओं ने सोचा है कि हम इसमें जितनी भी और महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, 31 तारीख को सभी को जोड़ने का कार्यक्रम करेंगे। हमारी सारी चौरसिया महिलाएँ जो हैं उनको और आगे ला कर आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए हम लोग इस प्रोग्राम को सफल बनाना चाहते हैं।